आपको क्या हुआ? आपने बोला कि पापा जी। आप बोले हाँ बेटा बोलो जी। तो बोले सर मेरे को एक लड़की पसंद आ गई है। पापा जी ने पहले तो दो जूते लगाए, फिर बोले चलो पसंद आई गई लड़की को अब क्या करें। पापा जी ने पहले दो जूते निकाले, ऐसे जूते निकाल कर दो जूते लगाए पहले तो, फिर बोले चल बेटा को पसंद आई गई तो क्या करें। फिर बोला अच्छा, तो फिर पापा जी ने बोला चल ला फोटो दिखा। उसने बोला दिखाता हूँ पापा जी, फोन निकाला जल्दी। लो पापा जी ये फोटो है। उसने पूरी की पूरी दिखाई दी कि सर पापा जी ये रही पापा जी, ये नेहा है ना। कौन है बेटा? ये लवली नेहा है। ये नेहा है, बहुत लवली है पापा जी। पापा जी ने दो झापट और मार दिए। पापा जी दो झापट, पढ़ने के टाइम में क्या कर रहा है तू ये? ठीक है। फिर भी पापा जी बोले चलो यार बच्चे की ख्वाहिश है, कोई बात नहीं देखा जाएगा। फिर बोला यार, पापा ने बोला क्या नाम है इसका? उन्होंने कहा पापा नेहा नाम है, नेहा। अच्छा लड़की तो बहुत लवली है, बहुत लवली है। तो पापा ने बोला अच्छा लवली नेहा है, बहुत लवली है ये नेहा तो। फिर उसने पूछा कि बेटा बताओ इसकी उम्र क्या है? इतनी छोटी सी लड़की यार, इतनी छोटी सी लड़की, तुम सोचो इसकी क्या ही उम्र होगी, क्या उम्र हो सकती है? तुम अंदाजा लगाओ, चलो तुम अंदाजा लगाओ, कमेंट बॉक्स में अंदाजा लगाओ इसकी क्या उम्र हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा 12 साल, और ले होगे तो 14 साल। अगर नहीं लग रही है 12 और 14 साल की तो कोई बात नहीं, एक्सचेंज कर लेते हैं। ये इसको मान लो भाई, ये थी ये लवली ने है। इसको मान लिया कि यार या तो 12 साल की है पिताजी, या 14 साल की है। पिताजी भी कभी दिमाग घूम गया, छोरे को प्यार भी हुआ तो किससे हुआ है? छोरे को प्यार भी हुआ है तो किससे हुआ है? मतलब लवली ने है 12 14।